For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum, my Dr. Nausheen. I'm working as head of Department Nutrition, Pakistan Air Force Hospital Unit 2, Nutra Advice, Islamabad Diagnostic Center F8 में. सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो जानलेवा वबा इस वक्त पूरी दुनिया को अपने लपेट में ली हुई है उससे हमारी जल्द से जल्द जान छुड़ाएं और जो लोग बीमार हैं उनको सेहत याब करें, आमीन. बार बार मुझसे सवाल किया जा रहा है कि थोड़ा सा गाइड किया जाए अकॉर्डिंग टू सहरी, तो मैंने कहा वाई नॉट. तो सहरी, क्योंकि ये रोज़ों का ड्यूरेशन हमारा काफ़ी लंबा है तो हमने ख्याल रखना है कि हम क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी दे सकती हैं. सबसे पहले तो आपने अपने पानी के इनटेक का बहुत ख्याल रखना है. अच्छा, पानी का इनटेक मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जब हर अफ्तार इवन आपकी जो अफ्तारी होती है तो आप एकदम से घटाघट पानी मत पिए. सो दो ग्लास पानी कोशिश करें कि आप अफ्तारी के बाद लें. उसके बाद आपके जो अफ्तारी और सोने का टाइम है उसके दरमियान आप कम से कम 4 से 6 ग्लास पानी के ले सकते हैं. और उसको अगर आप डिवाइड करना चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि हर एक घंटे में 1 ग्लास पानी का, और सहरी के टाइम पे आप 2 ग्लास पानी लें तो आपकी 8 से 10 ग्लास पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी. उसके बाद आपने क्या करना है, जो चीज़ें अवॉइड करनी हो, क्योंकि ये रोज़े लंबे हैं आपको प्यास लगेगी तो उसकी शिद्दत को कंट्रोल करने के लिए आप कोशिश करें कि ऑयली चीज़ें और बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें आपने सहरी के टाइम पे नहीं लेना, क्योंकि जो सॉल्ट और ऑयल है ये पानी अब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी का और आपको ज़्यादा प्यास लगती है. अच्छा, अब ये हो गया. अब हम क्या चीज़ें ले सकते हैं, हमने देखना है कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें लॉन्गर एनर्जी दे सकती है, मतलब ज़्यादा अरसे के लिए. हमने कोशिश करनी है कि हमने वाइट्स यानी कि सफ़ेद आटा, सफ़ेद चीनी, इस चीज़ से अवॉइड करना है, क्योंकि ये ऐसा है, इसको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और इसको जब ये डाइजेस्ट हो जाते हैं तो आपको फिर भूख लगना शुरू हो जाती है. इसके बजरे में हम कोशिश करें कि हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे चक्की का आटा है, हमारे पास बाजरे की रोटी है, हमारे पास ओट्स हैं, इसी तरह दलिया है. ये चीज़ें आपको लॉन्गर एनर्जी देंगी यानी कि ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आपको एनर्जी मिलती रहेगी. अब उसके बाद आ जाता है प्रोटीन्स. प्रोटीन्स यानी कि अंडा या कोई घर का पकावा कम तेल का सालन, कोई भी ऐसी चीज़ आपने, या आप दही दूध के ज़रिए भी अपनी प्रोटीन्स पूरी कर सकते हैं तो वो ज़रूर ऐड करें. प्यास की शिद्दत कम करने के लिए आपको जो दही और लस्सी है ये बहुत हेल्प आउट करेगी, तो आप उसको, और हो सके तो उसमें चिया सीड्स जिनको हम तुख में शरबती कहते हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं, तो वो आपको एनर्जी देगा और आपकी प्यास की शिद्दत को कंट्रोल करता रहेगा. अब अगर आपने अपनी सहरी को डिवाइड करना है तो इसका कोशिश करें कि 30 से 40% आपके प्रोटीन्स हों, जिसकी मैंने आपको बताई है, या तो अंडे की सूरत में या किसी सालन की सूरत में या दही की सूरत में या दूध की सूरत में, और 40 से 60% आपका जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए. तो यानी कि आपकी चपाती, चावल या आपके सफ़ेद को अवॉइड करें, क्योंकि सफ़ेद चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगी और वो आपको ज़्यादा भूख लगेगी. तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनका आप खास ख्याल रखें तो सहरी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी और रोज़ा भी अच्छा गुजरेगा. थैंक यू.